हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में स्मॉल गार्डन में। फ्रेंड्स ये देखिए मौसम कितना सुहाना हो रखा है। आसमान में जो है बिल्कुल काले काले बादल हैं और हवाएं भी तेज चल रही है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे प्लांट जो है कितने हवा में उड़ रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ग्रेप्स का प्लांट है, ये आप देख रहे हैं। मौसम खराब है इस कारण से जो अंधेरा है। तो ये देखिए फर्स्ट टाइम इसने जो है फ्रूटिंग किया है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसे मैंने जो है फ्रेंड्स पिछले फरवरी में लगाया था। ये देखिए एक यहाँ एक यहाँ, कुल मिला के जो इसमें फ्रेंड्स चार गुच्छा लगा था अंगूर। तो बच्चों ने जो है इसमें से जो देखिए इसमें से जो सब तोड़ तोड़ करके जो है खा गए हैं, कुछ पंछियों ने खा रखा है इसको, ये आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स ये आप देख ही रहे हैं मेरे कपड़े में लगाया हुआ है। इस बार जो फ्रूटिंग अच्छा नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है अच्छा इसमें आए। तो आप देख ही रहे हैं। तो जो है पके हुए हैं, अब कुछ जो है अभी कच्चा है। तो ये आप देख, तो अंधेरा हो गया है, आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसे जो मैं ऑनलाइन मंगवाया था, तो मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, मंगवा सकते हैं। और बहुत मीठे अंगूर हैं, बस इसका प्रॉब्लम एक ही है कि इसमें सीड्स निकलता है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही मीठे हैं। और इसे फर्टिलाइजर में फ्रेंड्स मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके देती हूँ। अंधेरे के कारण मैंने लाइट जलाया फ्रेंड्स, ताकि आप ग्रेप्स को देख सकें। विंटर में तो ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी सारी पत्तियां जो है झड़ जाती है और पूरा का पूरा डेड दिखने लगता है। फरवरी मार्च में प्रूनिंग के बाद फिर से इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। मौसम तो काफी खराब है फ्रेंड्स, फिर भी अच्छा लग रहा है। हमारे प्लांट्स भी जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं, अब देख रहे हैं। इसकी जो प्रूनिंग मैंने की थी फ्रेंड्स, इस साल जो की थी मैंने मार्च में, तो इसमें से जो एक टहनी थी जो मैंने इस चंपा के गमले में लगा दिया था। मेरे नाग चंपा के लिए तो ये पॉट खुद ही उसी के लिए सफिशियंट है, इसमें एक्स्ट्रा पौधा जो है लग गया है। ये मैंने जो लगाया था तो ये देखिए जर्मिनेट कर गया है। तो अब बारिश का समय है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं किसी पॉली बैग में निकाल दूँ और फिर बाद में मैं इसे बड़े से पॉट में लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसे निकाल देते हैं, कि बारिश का समय है तो इस समय मैं इसे निकालूंगी, क्योंकि ये बारिश के समय जो है बहुत तेजी में बड़ा हो जाएगा, तो इसके कारण जो है मेरे नाग चंपा को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है और इसकी जड़ें ज़्यादा फैल जाएंगी, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगा इसे निकालने में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसे अच्छे से निकालूँ ताकि ये लग जाए। तो इस तरह से हम थोड़ा गहराई फ्रेंड्स, पहला प्लांट मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और उसी प्लांट का कटिंग लगाकर दूसरा प्लांट तैयार कर लिया। मेरे पास दो ग्रेपवाइन के प्लांट्स हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, कोशिश तो मैंने किया है कि इसे ठीक से निकालूं, पर देखिए लग पाता है कि नहीं। इसे जो है इसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल लेते हैं, इतना मिट्टी भर लिया इसी गमले से, और इसे मैं इसमें इसे लगा देती हूँ। बारिश से अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो प्लांट है ही। फिर मैंने पौधे को इसमें लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये पॉली बैग वही वाले हैं जो नर्सरी से और मार्केट से जब हम नए प्लांट्स लाते हैं तो उसे मैं सेफ्टी निकाल लेती हूँ और बैग को जो है मैं फिर से रीयूज कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे इसी काम में आते हैं ये। और फ्रेंड्स बारिश का समय है तो मैंने तो इसे निकाल करके लगा दिया है, कोशिश किया है कि ठीक से लगाऊं सेफली। और अगर नहीं भी लगती है तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ग्रेप्स वाइन है, मैं उसके जब प्रूनिंग करूंगी फिर से तो मैं फिर से उसकी जो टहनी है लगा दूंगी, वो आराम से लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है, अब हम इससे पानी डाल देते हैं। नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश तो होने वाली है ही, क्योंकि मौसम जो इतना काला काला हो रखा है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।